Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English worksheet number 12 dated 4 November 2020. The topic of today's worksheet is adjectives and degree of adjectives. Let us review the aaj hum padhenge adjectives aur various degrees jo humne uski padhi thi pichli baar bhi. जो हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन किया था आपने वीडियो भी देखी थी पिछली बार मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था ये उसकी वीडियो भी अवेलेबल है आपके पास तो एडजेक्टिव्स का मतलब क्या होता है एडजेक्टिव्स का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग वर्ब्स ये डिस्क्राइब करते हैं किसको नाउन को प्रोनाउन को ठीक है और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो बताता है कि हम इसको कंपैरिजन कर रहे हैं तुम किस डिग्री पे कर रहे हैं जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं ये थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है पॉजिटिव डिग्री एक है कंपैरेटिव डिग्री एक है सुपरलेटिव डिग्री जो पॉजिटिव डिग्री है वो डिस्क्राइब करता है वन को चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो जब वो वन होता है तो वो पॉजिटिव डिग्री का कहलाता है और कंपैरेटिव डिग्री में जब एक से ज़्यादा हो यानी कंपेयर करते हैं हम दो के बीच में एंड सुपरलेटिव डिग्री सुपरलेटिव का मतलब है दो से ज़्यादा दो से बहुत तीन चार पाँच बहुत ज़्यादा उनको कहते हैं हाउ टू चेंज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स पिछली बार हमने पढ़ा था कि अगर हमारे को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसके एंड में ईआर लगा देते हैं जो भी हमारे पास होता है एडजेक्टिव उसके अंदर और जब हमें उसे सुपरलेटिव बनाना होता है तो हम ईयर हटा के ई एस टी लगा देते हैं और हम पॉजिटिव डिग्री को ई एस टी बना देते हैं सुपरलेटिव बना देते हैं अब हमारे पास जो नेक्स्ट आया है वो हमारे पास आई हैं कंडीशंस जो कि हम पहले भी एडजेक्टिव वाली क्लास में जो मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया था उसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी भी मुश्किल होती है समझने में तो आप दोबारा से वो वीडियो रेफ़र कर सकते हो इसमें है टुडे वी विल लर्न अदर वेज टू चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन द प्रैक्टिस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स बिलो अब हमें क्या करना है हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है वो चेंज करना है कैसे चेंज करेंगे जो हमारे पास जिसमें लास्ट में हमारे पास वोवल है ई उसको ई को हम कन्वर्ट करेंगे और हम ई आर लगा देंगे या ई एस टी लगा देंगे ठीक है तो अब क्या हुआ हमने ब्रेव का बनाया ब्रेवर और ब्रेव का बनाया कंपैरेटिव जो था वो ब्रेवर था और जो सुपरलेटिव था वो ब्रेवेस्ट ई एस टी लगा दिया था अब नेक्स्ट हमें लिखना है नोबल तो ये हो जाएगा नोबल कहो क्या हो जाएगा नोबलर एल ई आर लग जाएगा ये कब लगेगा जब हम उसे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन कर रहे हैं लेकिन हम जब दो से ज़्यादा फॉर्म में जो है डिग्री में कंपैरिजन कर रहे हैं यानी पॉजिटिव को हम जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा नोबलेस्ट ई एस टी लग गया ना नोबलेस्ट हो गया तो हमारे पास सेकेंड का आंसर क्या हुआ नोबल नोबलर नोबलेस्ट ठीक है अब नेक्स्ट हम थर्ड करते हैं थर्ड में हमारे पास है प्योर प्योर जो है वो पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की अब हम इसे कंपैरेटिव में बनाएंगे तो हम इसके साथ पी यू आर ई आर लगा देंगे प्योरर प्योरर हो जाएगा और जब हम उसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा पी यू आर ई एस टी प्योरेस्ट प्योरेस्ट फॉर्म हो जाएगा प्योर प्योरर प्योरेस्ट ठीक है और अब इसके बाद फोर्थ हमारे पास है वाइज तो हमारे पास जब हम कंपैरेटिव में करेंगे तो हम वाइज के साथ लास्ट में ई आर लगा देंगे तो वाइजर हो जाएगा और जब सुपरलेटिव बनाएंगे उसको तो वो हो जाएगा वाइजेस्ट ई एस टी लग जाएगा बेटा जो एंड हो रहा है वो वाई से हो रहा है जब वाई से एंड होता है तो हम क्या करते हैं अगर वाई के पहले जो है कॉन्सोनेंट है अब आप कहोगे बेटा कॉन्सोनेंट क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था कि वोवल्स जो होते हैं जो हमारे पास वोवल्स होते हैं वो पूरे अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास पूरे अल्फ़ाबेट्स में वोवल होते हैं पांच ए ई आई ओ
और यू, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी अल्फाबेट्स हैं ए बी सी डी में, वो सारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। अब तो हमारे पास केस ऐसा है, हमारे पास ये वाला कंडीशन क्या है कि जो जो हमारे पास पॉजिटिव एडजेक्टिव की डिग्री है वो कॉन्सोनेंट में है और लास्ट में उसके वाई आ रहा है। आप कहोगे मैम कॉन्सोनेंट में है वाई आ रहा है, मतलब समझ नहीं आया। अब देखो इसको, जैसे ये है ईजी, हमारे पास लिखा है ई ए एस वाई ईजी। अब मैं आपको बताती हूँ वाई हमारे पास लास्ट में लग रहा है और यहाँ पे क्या लगा है, कॉन्सोनेंट है ना, क्योंकि ये ना ए है, ई आई ओ यू, पांचों में से कुछ नहीं है, तो यानी ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। तो यही कंडीशन वो कह रहा है, जब आपके पास कॉन्सोनेंट हो और लास्ट में आपके पास वाई हो, तो हम वाई को जब हमारे को डिग्री कन्वर्ट करनी होती है, पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में या सुपरलेटिव डिग्री में लगाना होता है, तो हम कैसे चेंजेस करते हैं, जब हमें कंपैरेटिव में करना होता है तो हम उसके लास्ट में आई ई आर लगा देते हैं, और जब हमें पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना होता है तो हम आई ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने हैप्पी को क्या बना दिया, जैसे इसमें देखो एग्जांपल भी दे रखा है, इजी का इजियर और इजीएस्ट हो गया, तो ऐसे ही हैप्पी का क्या होगा, हैप्पियर। देखो मैं लिखती हूँ एच ए डबल पी आई ई आर, हैप्पियर हो गया, और सुपरलेटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा हैप्पीएस्ट, एच ए डबल पी आई ई एस टी, हैप्पीएस्ट। तो ये हमारे पास पॉजिटिव डिग्री आई हैप्पी, कंपैरेटिव डिग्री आई हैप्पियर, और सुपरलेटिव डिग्री आई हैप्पीएस्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास नेक्स्ट है लेजी, लेजी का क्या होगा, फिर वही एल ए जेड, क्योंकि जेड जो है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू वोवल में से कुछ नहीं है ना, तो वो कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद आई ई आर लगेगा जब हमारे को कंपैरेटिव में करना है, और अगर इसी को हमें सुपरलेटिव में बनाना है तो हम कहेंगे एल ए जेड आई ई एस टी, लेजीएस्ट। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया इसका, हम डिग्री चेंज कर देते हैं, लेजी लेजियर लेजीएस्ट। अब नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है हैवी, हैवी में देखो वी वाई है, वी है ना ए, लेकिन हमारे पास वोवल में क्या होते हैं ए ई आई ओ यू, यू होता है, वी तो नहीं होता, तो इसका मतलब ये वी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है बच्चे, कॉन्सोनेंट है ये। अब कॉन्सोनेंट है तो हमारे को ये पता है हमने वाई हटाना है और आई ई आर लगाना है जब हम इसको कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, एच ई ए वी आई ई आर, हैवियर, हैवियर हो गया कंपैरेटिव में कन्वर्ट किया तो, लेकिन सुपरलेटिव में बनाया तो हम इसका क्या लिखेंगे, हैवीएस्ट, एच एच ई ए वी आई ई एस टी, हैवीएस्ट हो जाएगा। अब देखो ये तो केस था जब हमारे पास कॉन्सोनेंट्स थे, अब केस है जब हमारे पास वोवल है, मतलब वोवल है यानी जब हमारे पास वाई से पहले या तो ए या आई या ई या ओ या यू लग रहा है, ठीक है, तब क्या होगा, जैसे इसमें दिखाया हुआ है, देखो गे का हो गया गेयर, ई आर लग गया और हमारा वाई का वाई वहीं रहा, हमने वाई को रिमूव नहीं किया, कॉन्सोनेंट के टाइम पे हम उसको वाई को रिमूव कर रहे थे, वाई को माइनस कर रहे थे, है ना, वाई को हटा रहे थे, लेकिन जब हमने वोवल लगा हुआ है, वोवल है उससे पहले, तो हमने वाई को रिमूव नहीं करना, सिंपली हमने उसके आगे उसके पीछे ई आर या ई एस टी लगा देना है, तो हमारा जो सेकंड है वो है ग्रे, तो उसका हो जाएगा जी आर ई वाई ई आर, ग्रेयर हो जाएगा, और जब सुपरलेटिव फॉर्म में बनाएंगे तो जी आर ई वाई ई एस टी, ग्रेएस्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपकी आज की वर्कशीट थी, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है तो आप एक बार दोबारा से जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन मैंने आपको वीडियो दी है इस चैनल में, आप उसको देख लो दोबारा से।